ग्रेडिंग स्कीम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनल टर्म है 35%, मिड टर्म 25%, इसके अलावा इस कोर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट होगा जिसकी वेटेज 20% है। आपने एक आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करना होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एज ए प्रोजेक्ट आपने एक आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करके उसकी जो वेव फॉर्म्स हैं पोस्ट लेआउट सिमुलेशन है वो जनरेट करनी होगी। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, इसकी ग्रेडिंग इंडिविजुअली होगी बेस्ड ऑन वाइवा। इसके अलावा 10% क्विजेस के मार्क्स हैं और 10% मार्क्स हैं फॉर असाइनमेंट्स। तो ये तो हमारी ग्रेडिंग स्कीम है। फर्स्ट लेक्चर है आज। बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक्चुअली हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, उसके इनसाइड कंपोनेंट्स जो उसके अंदर लगे हुए हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। क्योंकि ये है एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपके उस कंप्यूटर सिस्टम का, और वही रिस्पॉन्सिबल है तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने का। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर ने करनी होती है। वो कैसे प्रोसेस करता है वो हमने डिस्कस करना है इस कोर्स में। और एक बेसिक एक टाइनी माइक्रो प्रोसेसर हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसकी जो सिमुलेशंस हैं वो हमने प्रोड्यूस करनी है। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है दिस इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है और एक माइक्रो आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। माइक्रो आर्किटेक्चर तो हार्डवेयर है, इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं डिफरेंट, जो भी कंपोनेंट्स आपने सुने में हैं कि प्रोसेसर के अंदर क्या कुछ होता है। इसके अंदर कोई अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड और नॉट, एक्सऑर एंड सो ऑन। कुछ स्टोरेज एलिमेंट्स होंगे, कोई मेमोरी होगी, वो सारा माइक्रो आर्किटेक्चर है। यानी कि जो भी आपने कंपोनेंट्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर पढ़े थे उसका जो कम्बिनेशन है वो सारा माइक्रो आर्किटेक्चर है। उसके साथ एक है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। एनी आइडिया कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है? सर, जो इंस्ट्रक्शंस पे बेस कर रहा होता है आईएस से, मतलब अब इतना मतलब जेनेरिक ही आइडिया है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जिसको जिसका एक्रोनियम है ISA, एक्चुअली ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है माइक्रो आर्किटेक्चर और प्रोग्रामर के दरमियान, इंटरफेस का काम करता है। अब प्रोग्रामर ने माइक्रो प्रोसेसर से काम लेना है, वो कैसे काम लेगा, उसको इंस्ट्रक्ट कैसे करेगा यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट। अब मैन्युफैक्चरर, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है, उसने माइक्रो प्रोसेसर की चिप डिज़ाइन कर दी और उसने प्रोग्रामर को दे दी, और साथ उसने एक मैनुअल प्रोवाइड कर दिया। मैनुअल के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो वो प्रोसेसर सपोर्ट करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड और नॉट, एक्सऑर, जंप, ब्रांच, उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं। उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा। या तो वो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर होगा, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जानता होगा, तो वो लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली प्रोग्राम करेगा। अगर उसे लो लेवल लैंग्वेज नहीं आती, यानी कि असेंबली लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो कंपाइलर इंस्टॉल कर ले और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटेक्स को ट्रांसलेट कर दे उस माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज में या उसके इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है? ये एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि प्रोग्रामर को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्चुअली इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और प्रोग्रामर के दरमियान। अगर प्रोग्रामर ने माइक्रो प्रोसेसर से कोई काम लेना है तो उसे इंस्ट्रक्शंस इशू करनी होगी। वो इंस्ट्रक्शंस
का एक फॉर्मेट होता है जो कि प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। जो कोई भी कमर्शियली मैं प्रोसेसर की बात करूं, इंटेल का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होगा, आर्म प्रोसेसर है उसका डिफरेंट होगा, मिप्स है डिफरेंट होगा, पावर पीसी है उसका और होगा, सबका एक जैसा नहीं है। ये वेरी करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, वेंडर टू वेंडर। तो प्रोग्रामर, अगर मुझे कोई भी एक्स वाई जी प्रोसेसर है, मैंने उसको प्रोग्राम करना है, मैंने उससे कोई काम लेना है, तो मुझे उसका एक नंबर होगा उसकी चिप के ऊपर लिखा हुआ, मुझे उस नंबर की डाटा शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो डाउनलोड कहाँ से करूँगा? वो मैं वेंडर की वेबसाइट पर जाऊँगा और वहाँ से डाउनलोड करूँगा और उस मैनुअल को फॉलो करते हुए मैं अपना प्रोग्राम लिखूँगा। या अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं करना चाहता, तो फिर मैं उस प्रोसेसर के लिए जो कंपाइलर लिखा हुआ है, जो कंपाइलर अवेलेबल है, मैं वो डाउनलोड करूँगा। वो सी कंपाइलर हो सकता है या वो किसी और लैंग्वेज का कंपाइलर हो सकता है, मैं वो कंपाइलर डाउनलोड करूँगा और उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखूँगा। तो हार्डवेयर से काम लेने का एक ही तरीका है और वो है थ्रू इंस्ट्रक्शन सेट। जिन लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस याद भी होंगी, कुछ मूव की इंस्ट्रक्शन थी, ऐड की इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि कुछ जंप था एंड सो जी ऑन। सर, ठीक है, नहीं सबट्रैक्ट आती डिवीजन, जी असेंबली सर ये लैंग्वेज, याद नहीं है। याद, चलो दैट्स गुड। इन केस के अगर नहीं आती, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, किसी को याद है, किसी को नहीं याद। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये समझ आई स्लाइड, मेरा मकसद क्या था यहाँ बताने का? जी सर, जबरदस्त। अब ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है ना, माइक्रो आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, हमारा काम ये है, हमने ये डिजाइन करना है। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी कि आइजा, आईएस से आइजा बोलते हैं या इसे आईएस से भी बोलते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, इसकी तीन टाइप्स हैं जो कॉमन है आजकल, जो ऑब्सलीट हो चुकी हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बहुत कॉमन जो है मैं उनकी बात करूँगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के हवाले से तीन तरह के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं। कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही मैं वो पैरामीटर्स की बात करूंगा, आपके माइंड में आर्किटेक्चर फौरन आना शुरू हो जाएगा। अगर ये आर्किटेक्चर है, अगर ये पैरामीटर है, तो आर्किटेक्चर ऐसा होगा, अगर दूसरा पैरामीटर है तो ऐसा होगा, एंड सो ऑन। जस्ट ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो बात समझना है मुझे वही रोक दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन सेट की जो टाइप्स हैं वो हैं तीन, जो बहुत कॉमन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के हवाले से हैं ये। पहले है यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर। अब ऑपरेंड क्या होता है? हमने ऑपरेंड की तो बात कर ली कि ऑपरेंड के हवाले से तीन टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की। इंस्ट्रक्शन सेट भी पता है हमें क्या होता है, यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा मशीन से, दैट इज द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ऑपरेंड्स क्या है, उसको समझाने के लिए मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसमें देखें तीन ऑपरेंड्स हैं, सोर्स ऑपरेंड जी सर, ए बी सी, ए, सोर्स ऑपरेंड ए है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी, दैट इज बी इज द टारगेट ऑपरेंड, नाम है इसका, और रिजल्ट फाइनली जिसमें स्टोर हो रहा है दैट इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो ये तीन ऑपरेंड आपको समझ आ गए। जब आप कंफ्यूज हो, जब प्रॉब्लम हो, जस्ट सी इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी या ए प्लस बी देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि टारगेट कौन सा है, सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। मैंने जानबूझ के ए माइनस बी लिखा है, मैं ए प्लस बी भी लिख सकता था, लेकिन फिर आप कहते हैं कि जी प्लस हो रहा है तो बी प्लस ए भी हो सकता था, ए प्लस बी। जान के मैंने माइनस लिखा है कि ताकि आपको पता चले सोर्स ऑपरेंट कौन सा है और टारगेट ऑपरेंट कौन सा है। ये क्लियर हुआ? यस यस सर, ओके जी सर, जी सर, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। जी अच्छा सर, अगर ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, तो फिर सोर्स एंड ओपरेंड कौन सा होगा, सोर्स और टारगेट ओपरेंड? हाँ, असल में प्लस के केस में फर्क नहीं पड़ता,
प्लस के केस में फिर भी अगर मैं बी प्लस ए कर दूं तो बी इज द सोर्स ऑपरेंड एंड ए इज द जो बाद में आया दैट इज द टारगेट ऑपरेंड, लेकिन वहां पे फर्क नहीं मतलब पड़ता सर क्योंकि रिजल्ट सेम है, सही ठीक है। है। लेकिन लेकिन आपने ये नहीं समझना, आपने एक्चुअली समझना ये है कि ऑपरेंड है कौन से, कौन सा वाला टारगेट है और कौन सा सोर्स है, जो पहले आया दैट इज द सोर्स ऑपरेंड, जो बाद में आया वो टारगेट ऑपरेंड बेसिकली है। सर मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो पहले आया है वो सोर्स है, जो बाद में है वो टारगेट है। माइनस के केस में आपको क्लियर हो गया कि विच वन इज द सोर्स ऑपरेंड, क्लियर। अगर से दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो तो ए इंटू बी की बात करें तो मैं कह देता हूँ ए इज द सोर्स ऑपरेंड, बी इज द टारगेट ऑपरेंड। एक मल्टीप्लीकेंड है, एक मल्टीप्लायर है, लेकिन हमने एक को सोर्स कह दिया, एक को डेस्टिनेशन कह दिया, ठीक है। तो तीन ऑपरेंड होते हैं किसी भी इक्वेशन में, तीन से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं हो सकते, मैक्सिमम तीन ऑपरेंड हो सकते हैं। अब ऑपरेंड के हवाले से हम इंस्ट्रक्शन सेट को एवेल्युएट करते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, दैट इज कॉल्ड यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर ये इसका फॉर्मेट भी गिवन है नीचे, दिस इज द फॉर्मेट। माउस पॉइंटर को देखें, ये ऑप कोड है और ये मेमोरी एड्रेस है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, ऑप कोड तो बताएगा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऐड का करना है, सब्ट्रैक्ट का करना है, एंड का करना है, ये दरमियान में जो ऑपरेटर है ना ये ऑप कोड बन जाएगा, ये दिस माइनस इस, क्योंकि कंप्यूटर को हम माइनस तो नहीं भेज सकते, सीपीयू को माइनस नहीं जाएगा, उसने सब्ट्रैक्शन के लिए एक नंबर रिजर्व किया हुआ है कि ऑप कोड से मैं कहता हूँ इफ इट इज़ 111 मीन्स सब्ट्रैक्शन, 110 मीन्स एडिशन, 101 मीन्स एंड, तो ये तो ऑप कोड हो गया। ऑप कोड तो एक्चुअली ऑपरेशनल कोड कहते हैं, यानी कि ये तो प्रोसेसर को बताना है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, यही सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन का एक खास ऑप कोड होगा, वो हमें कहाँ से पता चला, वो हमने उस मैनुअल में से देख लिया। ओके, उसने कहा सब्ट्रैक्शन का जो कोड है दैट इज 111, फाइन, हमने ये ऑप कोड में 111 लिख दिया। इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर को जब ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी डिवीजन जो है, दूसरी पार्टीशन है, उसमें देखें आपको नजर आ रहा है ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस, कौन सा ऑपरेंड। सर यानी कि इन तीनों में से कौन सा ऑपरेंड, गेस करें। सर आई गेस डेस्टिनेशन का होगा। सी सर, ई सर, सी। ई वाला। इट इज द बी टारगेट ऑपरेंड। एक्सक्यूज मी सर, जरा दोबारा एक्सप्लेन करना लास्ट वाली बात। ओके, मैंने भी सिर्फ ये पूछा है, ऑपकोड तो समझ आ गई आपको, ऑपकोड तो ऑपरेशन बताता है, जी सर, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आप जो देंगे उससे माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा ओके ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ऑपरेंड्स यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड आप इंस्ट्रक्शन का हिस्सा बना सकते हैं, और इन तीनों में से सोर्स, डेस्टिनेशन और टारगेट में से वो कौन सा ऑपरेंड होगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा। बी सर। दैट इज द टारगेट ऑपरेंड, वाई टारगेट। सोर्स ऑपरेंड एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड आर फिक्स्ड और वो हमेशा अक्यूमुलेटर होंगे। इस आर्किटेक्चर में जब भी यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर की बात आए आपने समझ लेना है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा टारगेट ऑपरेंड होगा, सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड कहाँ से होंगे, वो प्रोसेसर के अंदर कोई स्टोरेज एलिमेंट लगा हुआ है जिसे हम अक्यूमुलेटर कहते हैं। डेस्टिनेशन ऑपरेंड भी वही होगा और सोर्स ऑपरेंड भी कैसे हो वही होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ से ऐड बी, तो क्या होगा, अक्यूमुलेटर पहले बी के अंदर ऐड होगा और जो रिजल्ट होगा वो दोबारा सेव हो जाएगा इसमें
डेस्टिनेशन यानी कि एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। आगे चल के एक एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अपना माइक काइंडली म्यूट करते हैं अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना तो। अभी एक एग्जांपल करेंगे, मैं तीनों आर्किटेक्चर्स पे एक एग्जांपल रन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर। इसमें दो ऑपरेंड्स आप दे सकते हैं मैक्सिमम। हॉपकोट का वही मतलब है जी, पहले आएगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड और वही सोर्स ऑपरेंड भी होगा, और सेकंड डिवीजन में यानी कि सेकंड ऑपरेंड जो होगा वो होगा टारगेट ऑपरेंड। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है ऐसे आर्किटेक्चर्स का। यानी कि अगर मैं बात करूं ड्यूअल ऑपरेंड आर्किटेक्चर है, इसका मतलब यह है कि दो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं। जो पहला ऑपरेंड है पहले वो सोर्स सेट करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड बन जाएगा। सिंपल इज दैट। सची आपने ये लास्ट बात की थी कि कौन सा वो डेस्टिनेशन बन जाएगा? ये लिखा हुआ है ना डेस्टिनेशन ऑब्लिक सोर्स, तो इसका मतलब है कि पहले मैं यहाँ पे जो भी ऑपरेंड दूंगा ऑपरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से कोई भी रजिस्टर लिख देता हूँ या मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ या यहाँ पे टारगेट में बी लिख देता हूँ, तो ए जो होगा वो पहले सोर्स एज ए सोर्स एक्ट करेगा, यानी कि पहले ए माइनस बी होगा और उसके बाद जो ए है वो एज ए डेस्टिनेशन ऑपरेंड के तौर पर एक्ट करेगा, तो रिजल्ट भी ए में से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो ड्यूअल ऑपरेंड है, ड्यूअल ऑपरेंड का मतलब है कि मैक्सिमम दो ऑपरेंड आप इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं। और तीसरा जो आर्किटेक्चर है दैट इज ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर। ट्राई ऑपरेंड का मतलब है कि तीनों डेस्टिनेशन सोर्स एंड टारगेट तीनों इसके अंदर होंगे, तो सिंपली आप यहाँ पर सी ए और बी लिख दें तो ए बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट होगा वो सी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये वाले जो ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स हैं ये इनकी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है। ड्यूअल ऑपरेंड की भी इट्स फाइन, यूनि ऑपरेंड में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो खैर ये तीनों ही आर्किटेक्चर्स बहुत कॉमन है, मैं इनकी एग्जांपल्स भी आगे चल के दूंगा। तो आपको ये पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तीन तरह के होते हैं ऑपरेंड्स के हवाले से, यूनि ऑपरेंड, ड्यूअल ऑपरेंड एंड ट्राई ऑपरेंड। ओके, अब कोई एग्जांपल लेते हैं, यही लेता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जी कुछ पूछना है आपको? जी सर, जैसे सर आपने सर नॉर्मली हम बताते हैं कि आपने जो फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, मतलब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्स के अंदर बेसिकली हमारे ऑपरेटर पड़े होते हैं जो हमें बताते हैं कि ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म होगा। एग्जैक्टली, ऑपरेटर की इक्विवेलेंट एक नंबर होता है, लाइक एडिशन के लिए कोई एक नंबर होगा बाइनरी में से 111 101, कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैं कहूँ 8 बिट का ऑपकोड है, इसका मतलब है 2's पावर 8 इज इक्वल टू 256, 256 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एक्चुअली ऑपरेटर को तो अंडरस्टैंड नहीं करता, प्लस लिख देंगे प्लस को तो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड नहीं करता व्हाट इज प्लस, वो तो एक्चुअली बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है 1 और 0 को। तो हम उसका आगे चलते वो खैर अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, नॉर्मली हम इस कोर्स में जो है वो यूनि ऑपरेंड यूज करेंगे ज़्यादा, देन वो आगे चलते देखते हैं। यूनि ऑपरेंड हम पढ़ेंगे ज़रूर लेकिन हम ट्राई ऑपरेंड पे सारा काम करेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स हैं ट्राई ऑपरेंड हैं, जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं लाइक RISC-V, MIPS, ARM। जी जी, तो इसलिए मैंने ट्राई कहना था। हाँ, ट्राई ऑपरेंड यूनि ऑपरेंड एक्चुअली आपको बुक्स में ही अब मिलेगा, कमर्शली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर किसी मतलब नहीं है कि आप वो बता नहीं सकते। आप
अगर ये चीज़ें करते चले जाएंगे, समझते चले जाएं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आप कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके श्योर मैं सर, बात थैंक करता यू। हूँ यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर, अगर यही काम मैंने करना है C=A+B, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा लोड ए। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी या जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे मेमोरी में क्रिएट होते हैं, ये तो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ लिया होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक्चुअली मेमोरी में डिक्लेयर होता है। मेमोरी मीन्स आपकी रोम रैम में। अब अगर मैं सिंपली लिख देता हूँ सी के अंदर, C++ के अंदर C=A+B, अब ए बी सी ये तीनों ऑपरेंड्स मेमोरी में पड़े हुए हैं। अब ऑपरेशन परफॉर्म होना है ए और बी के ऊपर, इसका मतलब है ए को इंटरनली कहीं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली कहीं मूव होना है, कहीं स्टोर होना है। जाहिर है रैम के अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ है, उसको पहले माइक्रो प्रोसेसर अपनी इंटरनल मेमोरी में लेके जाएगा, फिर बी को रीड करेगा रैम से, फिर बी को इंटरनल किसी मेमोरी में स्टोर करेगा और फिर एडिशन परफॉर्म करेगा, और एडिशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को कहीं इंटरनली इंटरनली स्टोर करेगा और फिर वापस सी वेरिएबल में स्टोर करेगा। यानी कि हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी की, लेकिन उसके अगेंस्ट मल्टीपल असेंबली इंस्ट्रक्शन बन जाती हैं, जो रेशियो है वो 1:many है। अब इसी काम को हम कहते हैं कि यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर में ये काम कैसे होगा। ओके आप इंस्ट्रक्शन देंगे लोड ए, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल ए की वैल्यू है वो रैम से रीड हो और माइक्रो प्रोसेसर की अंदर किसी रजिस्टर में सेव हो जाए। रजिस्टर अगर नहीं पता तो इट्स अ स्टेम्प इज अ स्टोरेज एलिमेंट इन द प्रोसेसर, इसका साइज उतना ही होता है जितना प्रोसेसर का साइज है, हार्डली 16 बिट और 32 बिट और 64 बिट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं कहता हूँ कि यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर एक रजिस्टर है जिसका नाम है अकोमोडेटर। अकोमोडेटर नाम इसलिए दिया है कि वो रिजल्ट्स को अकोमोडेट करता है। लोड ए का मतलब है कि मेमोरी में से हमने वेरिएबल ए को रीड किया और अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन इशू हुई एड बी, अब इसका मतलब है बी इज द टारगेट ऑपरेंड। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो भी हम यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर में ऑपरेंड देंगे वो हमेशा हमारा टारगेट ऑपरेंड होगा। अब क्या हुआ, सोर्स ऑपरेंड क्या है, अकोमोडेटर रजिस्टर, ऐड हुआ मेमोरी ऑपरेंड बी, ये गलती से ए लिखा रह गया आगे ऑपरेशन में, इट इज एक्चुअली बी, दोनों ऐड होंगे और रिजल्ट फाइनली हमारा अकोमोडेटर में ही सेव होगा। ये बात समझ आई है, देखिए ये अकोमोडेटर ऐसे सोर्स ऑपरेंड एक्ट कर रहा है ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले, अकोमोडेटर के यानी कि कंटेंट्स सर, मेमोरी में बी वेरिएबल के कंटेंट से ऐड होंगे और रिजल्ट हमारा वापस से एक्युमुलेटर रजिस्टर में सेव हो जाएगा। पिछले एक्युमुलेटर का रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट वाली मेमोरी बी में जो है वो उसके साथ ऐड हो रहा है और फिर से दोबारा एक्युमुलेटर में सेव हो रहा हाँ है। वापस एक्युमुलेटर में यूनि ऑपरेंड होता ही ऐसे, यूनि ऑपरेंड में एक ही ऑपरेंड देते हैं वो होता है टारगेट ऑपरेंड और बाकी जो सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड होते हैं वो हमेशा एक्युमुलेटर होते हैं। अंडरस्टूड है, सही हमने पिछली स्लाइड में ये देखा। और फाइनली फिर हमने स्टोर सी कर दिया, मीन्स एक्युमुलेटर के अंदर जो सम पड़ा हुआ है वो वापस सी वेरिएबल में मूव हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है एक्युमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो रिजल्ट पड़ा हुआ है वो वापस मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो C=A+B यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर में इस तरह एग्जीक्यूट होगी। अब इसी को सर, जरा जो ड्यूल सी ऑपरेंड, आपके जी सर, जो भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो जो हमारे पास खुले में कम्युलेटर में ही होंगे सर। इस आर्किटेक्चर में, यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर में, यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर में सोर्स और डेस्टिनेशन हमेशा एक्युमुलेटर होगा, ठीक,
राइट सर, ठीक हो गया। इसका मतलब है यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ एक रजिस्टर चाहिए, दैट इज एक्युमुलेटर रजिस्टर। हमें और रजिस्टर्स चाहिए ही नहीं, यूजर विजिबल सिर्फ एक ही रजिस्टर होगी और वो होगी एक्युमुलेटर रजिस्टर। इस आर्किटेक्चर के अंदर मुझे सिर्फ एक रजिस्टर चाहिए होगी आर्किटेक्चर के अंदर, दैट्स इट। अब जब भी डिज़ाइनर, जब भी मुझे कहा जाएगा यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर बनाओ, मेरे माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि ओके ये इसका इंस्ट्रक्शन सेट है, आपको और एक ऑपरेंड होगा और वो टारगेट ऑपरेंड होगा, और मेरे माइक्रो आर्किटेक्चर के अंदर स्टोरेज एलिमेंट सिर्फ एक होगा और वो होगा एक्युमुलेटर रजिस्टर। अब बस जस्ट पैरामीटर आपने देखने हैं और आर्किटेक्चर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जस्ट आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स गेट करने हैं। जो मैं करवा रहा हूँ बस वो करते चले जाएं, जब हम बाद में आर्किटेक्चर बनाएंगे तो मैं वहाँ पे कोरिलेट करूँगा कि यहाँ पर ये क्यों है, ये उसका रूल है। नेक्स्ट, ओके अब मैंने नीचे भी लिख दिया है, इन यूनि ऑपरेंड आर्किटेक्चर देर इज ओनली वन रजिस्टर, दैट इज एक्युमुलेटर रजिस्टर। यूजर विजिबल सिर्फ एक रजिस्टर होगी, यूजर विजिबल जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकेगा, प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ, और वो होगी एक्युमुलेटर रजिस्टर। ओके, बिल्कुल फाइन कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आपको आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होंगे। कोई भी आर्किटेक्चर आपने बनाना हो, आपने कोई भी आर्किटेक्चर बनाना होगा, वो इन तीनों में से कोई एक होगा, यूनि ऑपरेंड होगा, ड्यूल ऑपरेंड या ट्राई ऑपरेंड होगा, इसके अलावा कोई आर्किटेक्चर नहीं है। स्टैक वाला होता था, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अभी मौजूदा सिर्फ ये तीन आर्किटेक्चर्स हैं, इनमें से ही आपने कोई बनाना होगा, और जैसे ही मैं बात करूँगा यूनि ऑपरेंड की, आप समझेंगे ओके सिर्फ एक रजिस्टर चाहिए, दैट इज द एक्युमुलेटर रजिस्टर, इसके अलावा और रजिस्टर नहीं चाहिए। ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर, उसका फिर देखते हैं उसमें क्या चाहिए होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर की, यही इंस्ट्रक्शन ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर पर रन करती है। अब उसमें हम दो ऑपरेंड स्पेसिफाई करते हैं, पहला ऑपरेंड एज ए सोर्स और बाद में वो डेस्टिनेशन बन जाता है। ओके, इसमें इस आर्किटेक्चर में आपको लोड की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रजिस्टर्स हैं, लोड तो तब होता है जब एक ही रजिस्टर। ओके, मूव का मतलब है डाटा मूवमेंट के लिए यूज होता है। एएक्स एक रजिस्टर का नाम है, नाम रजिस्टर के कुछ भी हो सकते हैं, एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स आर1 आर2 आर3 कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना होते हैं। यहाँ पर मैंने ए एक्स रखा है कॉमा ए। अब ए मेमोरी ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी में है, उसके कंटेंट्स मूव होंगे रजिस्टर ए एक्स में। ओके, फिर मैंने दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखी ऐड की, मींस कि ए एक्स एज ए सोर्स ऑपरेंड एक्ट करे और उसमें बी ऐड हो। B अगेन मेमोरी ऑपरेंड है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल है, वो वहाँ से फेच होगा, एक्युमुलेटर रजिस्टर के साथ एड अप होगा और रिजल्ट्स दोबारा AX रजिस्टर में सेव हो जाएंगे। यहाँ पे AX कुछ भी हो सकता है, कोई भी रजिस्टर हो सकती है, AX, BX, CX, DX कोई भी नाम हो सकता है, R1, R2, R3 कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक्चुअली रजिस्टर है। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि दो ऑपरेंड्स होंगे, दो से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं हो सकते। अब तीन वाला काम लेना है दो ऑपरेंड से, तो उसका रूल ये है कि पहला ऑपरेंड पहले सोर्स है और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो डेस्टिनेशन है, सिंपल इज दैट। और वापस ए एक्स को मैंने सी में मूव कर दिया, यानी कि मेमोरी में वापस भेज दिया। ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स के अंदर जो रजिस्टर्स की तादाद होती है वो एक से ज़्यादा होती है,
यानी कि चंद एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होंगी जनरल पर्पस, लाइक जैसे इंटेल में है ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, चार रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस, और उनके ग्रुप को हम कहेंगे स्क्रैच पैड मेमोरी। मैं लिखा भी हुआ है नीचे, इन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर्स देर आर फ्यू रजिस्टर्स, उनकी तादाद चार हो सकती है, ज़्यादा कर लें 8 कर लें, ठीक है। और उसके ग्रुप को हम कहते हैं स्क्रैच पैड मेमोरी, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जो बड़ी फास्ट है और वो उसी स्पीड पे काम कर रही है जिस स्पीड पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। ये बात समझ आई? जी सर, सर काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि लाइक यूनी में एक रजिस्टर यूज हो रहा था, तो ड्वेल में दो जो है वो इसकी कैसे यूज हो रीजन रहा है, दोबारा ये थोड़ा सा बता दें। है, इसकी रीजन ये है कि अब यहाँ पर एक्स रजिस्टर के बजाय बी एक्स भी हो सकता था, सी एक्स भी हो सकता था, डी एक्स भी हो सकता था। इस आर्किटेक्चर के अंदर, इस ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, चार हो सकती हैं, छः हो सकती हैं, 8 रजिस्टर्स हो सकती हैं। यहाँ पर आप हो सकता है यहाँ पर ए एक्स यूज़ कर लें, आपके इख्तियार में है। वहाँ पे अंडरस्टूड था, देखें अगर मैं यूनी ऑपरेंड पे जाऊँ ना, तो आपसे तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन तो पूछ ही नहीं रहा, माइक्रो प्रोसेसर आपसे सिर्फ टारगेट ऑपरेंड पूछ रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन तो आपसे पूछ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, और वो क्या है, वो एक्युमुलेटर रजिस्टर है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड फिक्स्ड है और आपसे वो टारगेट ऑपरेंड, वो भी मेमोरी ऑपरेंड पूछ रहा है, तो आपने तो यहाँ पर मल्टीपल रजिस्टर्स की होने की कोई सेंस ही नहीं बनती। आपने हमेशा टारगेट ऑपरेंड, एक मेमोरी ऑपरेंड, एक वेरिएबल का नाम देना है, मेमोरी एड्रेस देना है। वेरिएबल का नेम एक्चुअली एड्रेस होता है मेमोरी का। तो सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड फिक्स्ड है कि वो एक्युमुलेटर रजिस्टर होगा, लेकिन ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स अलाउ करते हैं कि आप अपनी मर्जी का डेस्टिनेशन रजिस्टर बता सकें, यानी कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड आप अपनी मर्जी का दे दें, जो कि पहले सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड बन जाएगा। तो वो क्या हो सकता है, वो कोई भी रजिस्टर हो सकती है, वो ए एक्स नाम कोई भी हो सकता है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रामर की आसानी कर दी गई कि वो अपनी मर्जी से ऑपरेंड्स चूज कर सकता है, लेकिन जो भी वो पहला ऑपरेंड देगा वो पहले सोर्स होगा और बाद में वो डेस्टिनेशन होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा जिन लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है, इंटेल आर्किटेक्चर्स की, इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो ड्यूल ऑपरेंड है। अब ये जरा थोड़ा सा आपको बाद में एक्सरसाइज रिकॉर्डिंग सुननी पड़े या आपको पढ़ना पड़े इस बारे में। अब हम चलते हैं ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर की तरफ। ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर में यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे ए बी और सी को पहले किसी रजिस्टर्स में लेकर आना है। ए को मुझे पहले किसी रजिस्टर में लाना होगा, फिर बी को किसी रजिस्टर में लाना होगा, फिर सी को किसी रजिस्टर में लाना होगा। तो लोड की इंस्ट्रक्शन होती है, लोड R1, R1 इज़ द नेम ऑफ अ रजिस्टर, R0 इज़ अगेन द नेम ऑफ द रजिस्टर, और वेरिएबल ए। तीन ऑपरेंड्स होने चाहिए, सो डेस्टिनेशन, सोर्स एंड टारगेट। हम स्पेसिफिकली किसी आर्किटेक्ट उसकी बात नहीं कर रहे, किसी किसी की असेंबली की बात कर रहे, एक जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं कि जनरली ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स की असेंबली इस तरह की होती है। तो हुआ क्या, मेमोरी ऑपरेंड ए रजिस्टर R1 में सेव हो गया, फिर हमने मेमोरी ऑपरेंड बी को, वेरिएबल बी को R2 में सेव कर लिया, लोड करवा लिया, और उसके बाद जब वो लोड हो गए R1 और R2, फिर हमने उनके ऊपर
एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया. कैसे? दिस इज आर थ्री इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, आर वन इज द सोर्स ऑपरेंड एंड आर टू इज द टारगेट ऑपरेंड. ट्राई ऑपरेंड का मतलब ये है कि तीनों ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन का पार्ट होंगे. तो तीनों ऑपरेंड्स हमने दे दिए. अब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ? आर वन प्लस आर टू और रिजल्ट हमारा आर थ्री में सेव हो गया. अब यहाँ पर हमारे पास मजीद लेवरेज आ गई ऐसे आर्किटेक्चर्स में कि हम सोर्स, टारगेट और डेस्टिनेशन तीनों अपनी मर्जी का दे सकते हैं. यूनी ऑपरेंड में हमें सिर्फ टारगेट ऑपरेंड बताना था, सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स था. ड्यूअल ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स के अंदर हमें सोर्स और टारगेट बताना था, डेस्टिनेशन वही था जो सोर्स था. ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर में हम तीनों ऑपरेंड्स अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं और तीनों डिफरेंट हो सकते हैं. ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और उसके बाद हमने वापस आर थ्री को सेव कर दिया, सी में मूव करवा दिया, क्योंकि सी ए बी ये तीनों मेमोरी ऑपरेंड्स हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर रिजाइड कर रहे हैं. तो ए को रीड किया, रजिस्टर में सेव किया, बी को रीड किया, रजिस्टर में सेव किया, दोनों रजिस्टर्स के कॉन्टेंट्स को ऐड किया, रिजल्ट तीसरी रजिस्टर में आया और तीसरी रजिस्टर से वापस हमने मेमोरी में भेज दिया. तो ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स के अंदर कुछ जो मशीन इंस्ट्रक्शंस या असेंबली लैंग्वेज का कोड इस तरह का जनरेट होगा, चाहे कंपाइलर से जनरेट करवा ले या प्रोग्रामर खुद प्रोग्राम कर ले. अब ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स में जी सर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट मेमोरी करवा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर ऐड में आर थ्री में पहले को नहीं. अच्छा मैं उस पर आता हूँ. अच्छा कुछ ना रूल्स होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के. लोड स्टोर मशीन जो होती है ना उसमें मेमोरी ऑपरेंड उस डायरेक्टली आप नहीं दे सकते, आपको पहले लोड करना होगा किसी रजिस्टर के अंदर लोड की इंस्ट्रक्शन से. तो जिस तरह आप ड्यूअल ऑपरेंड में कर रहे थे ना कि एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर था और दूसरा मेमोरी था, ट्राई ऑपरेंड में ऐसा नहीं होता. ट्राई ऑपरेंड में आपके तीनों जो ऑपरेंड्स होते हैं वो रजिस्टर से होते हैं, लेकिन रजिस्टर में कंटेंट्स आएगा कहाँ से, वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो फिर आपको लोड की इंस्ट्रक्शन से लोड करवानी होगी मेमोरी से, जैसे हमने यहाँ पे करवाई है. ओके सर. तो जब भी लोड स्टोर मशीन आएगी तो इसका मतलब है कि लोड स्टोर मशीन का मतलब है कि पहले आपको मेमोरी वेरिएबल्स को रजिस्टर्स में लोड करवाना होगा. ठीक है, तो जो ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर होता है वो एक्चुअली लोड स्टोर मशीन होती है. ठीक है, ओके. ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स, इन ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स देर आर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ग्रुप टूगेदर एंड कॉल्ड रजिस्टर फाइल. यहाँ पर रजिस्टर्स बहुत सारी होती हैं, 16, 32, 64 या 128 पर रजिस्टर्स होती हैं और उनको ग्रुप करके हम कहते हैं इट्स अ रजिस्टर फाइल. तो ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स जब भी होंगे उसके अंदर रजिस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर तीन रजिस्टर्स यूज हो रही हैं, इसलिए उन्होंने रजिस्टर्स ज़्यादा रखी हैं ताकि मेमोरी कम से कम एक्सेस करनी पड़े. और आपको पता है कि सिस्टम के अंदर जो रैम होती है वो स्लोएस्ट कंपोनेंट है. रैम जितनी कम आप एक्सेस करेंगे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उतनी फास्ट होगी. तो एक ही दफ़ा ऑपरेंड्स को रैम से रीड करके इंटरनल रजिस्टर्स में रख लें और फिर इंटरनली उनको रीड करते रहें और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहें. तो ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर्स की तादाद ज़्यादा होती है और एक रजिस्टर की एक फाइल होती है. रजिस्टर फाइल का मतलब यह है कि उसके अंदर 32 रजिस्टर्स हैं या 64 रजिस्टर्स हैं या 128 रजिस्टर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट के डिज़ाइनर का बजट कितना है. वो बजट क्या किस फॉर्म में होता है वो आगे चल के हम देखेंगे कि उसके पास चिप एरिया कितना है. जितना चिप एरिया होगा वो उतनी कंपोनेंट्स लगा सकेगा. तो जाहिर है ट्रेड ऑफ है परफॉर्मेंस का, कॉस्ट का. तो हमने अब यहाँ से क्या कंक्लूड किया, यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक रजिस्टर रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द क्यूमुलेटिव रजिस्टर. ड्यूअल ऑपरेंड आर्किटेक्चर होगा तो फ्यू रजिस्टर्स चाहिए होंगी, मे बी 4, और उनके ग्रुप को हम कहेंगे स्क्रैच पैड मेमोरी. और अगर ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर है तो
रजिस्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी, 16, 32, 64, 128, डिपेंड करता है, वेरी करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, और उसके ग्रुप को हम कहेंगे रजिस्टर फाइल। एक फाइल की सूरत में हमारे पास होगी, वो रजिस्टर फाइल क्या चीज़ है वो आगे चल के हम देखेंगे। जस्ट एक नाम है, ग्रुप का नाम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स लगी हुई हैं। तो अब जैसे ही हमारे पास हमारे माइंड में आएगा यूनि ऑपरेंड, ट्राई ऑपरेंड, ड्यूअल ऑपरेंड, हमें रजिस्टर्स की तादाद और उसका जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा कि ओके, यूनि ऑपरेंड का फॉर्मेट ऐसा होता है, इसमें सिर्फ टारगेट ऑपरेंड हम दे सकते हैं, ड्यूअल के अंदर सोर्स और टारगेट देते हैं, जो सोर्स होता है वही डेस्टिनेशन होता है और यहाँ पर स्क्रैच पैड मेमोरी होती है। ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर के अंदर हम तीनों ऑपरेंड स्पेसिफाई करते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली सेम तो हो ही सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, और ऐसे आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो रजिस्टर्स के ग्रुप को हम रजिस्टर फाइल कहते हैं। अब आपने, डिज़ाइनर ने पहले डिसाइड करना है कि उसे कौन सा प्रोसेसर इंप्लीमेंट करना है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कौन सा बनाना है, और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामर के साथ उसी ने इंटरेक्ट करना है। प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ इंटरेक्ट करना है, माइक्रो आर्किटेक्चर के साथ नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप सोच लेते हैं ना ओके यूनि ऑपरेंड, वहीं पर फैसला हो जाता है ओके सिर्फ एक रजिस्टर होगी, दैट इज द एक्युमुलेटर। ड्यूअल ऑपरेंड, स्क्रैच पैड मेमोरी होगी जिसमें चार रजिस्टर्स होंगी मिनिमम। रजिस्टर फाइल है, इसमें 32 रजिस्टर होंगी। ओके, मैं ये स्किप करके ये स्लाइड आगे जा रहा हूँ, हम मेमोरी की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम मेमोरी की बात करते हैं। जब भी वर्ड मेमोरी आएगा इसका मतलब होगा रैम। मेमोरी को हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ एरे ऑफ बाइट्स। ये हमेशा बाइट एड्रेसेबल होती है, एरे ऑफ बाइट्स, हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। हमारी रैम के अंदर जितने बाइट्स होंगे उतने एड्रेसेस होंगे। अब यहाँ पर देखें, दिस ये 16 बाइट्स की मेमोरी है आपके सामने, क्यों 16 एड्रेस है, हर एड्रेस एक बाइट को पॉइंट कर रहा है, वन बाइट को। ये बात समझ आइए, एक वक्त में आप वन बाइट रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक एड्रेस है तो वन एड्रेस पॉइंट्स टू वन बाइट ऑफ मेमोरी। जितने एड्रेसेस होंगे उतने बाइट्स की मेमोरी को आप एक्सेस कर सकेंगे। ओके, अब अगर प्रोसेसर है 16 बिट का, ये तो हम बात कर रहे थे 8 बिट प्रोसेसर है, ओके 16 बिट का प्रोसेसर है तो क्या करें, हमें तो एट ए टाइम मेमोरी से दो बाइट्स रीड करने हैं, तो क्या दो बाइट्स रीड करने के लिए हमें दो एड्रेस इशू करने होंगे या एक एड्रेस इशू करना होगा। तो हम देख लेते हैं, ओके 16 बिट्स ये क्या है, पहली रो का एड्रेस है जीरो। रूल वही है, एक एड्रेस एक बाइट। मेमोरी की डायमेंशन कुछ भी हो, अब मेमोरी को मैंने इस तरह जोड़ दिया है कि एक बाइट के अगेंस्ट, मतलब कि हम दो बाइट साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, या 32 बिट आर्किटेक्चर है तो हमें चार बाइट साइमल्टेनियसली रीड करने हैं, मेमोरी उतनी लगेगी। मेमोरी का रोल वही आपको बता दिया, वन एड्रेस पॉइंट्स टू वन बाइट ऑफ मेमोरी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास चार बिट की एड्रेस बस है तो 2's power 4 is 16, 16 बाइट से ज्यादा मेमोरी किसी सूरत नहीं लग सकती,
चाहे 8 बिट आर्किटेक्चर हो, 16 बिट हो, 32 बिट हो। 32 बिट आर्किटेक्चर में देखें हम एक वक्त में 4 बाइट्स रीड कर सकते हैं, बाइट नंबर 0, 1, 2, 3। हमने 4 बाइट्स रीड किए, यानी कि एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। अगली रो 4 से स्टार्ट हो रही है। सिंपल, करेक्टर पॉइंटर में जब इंक्रीमेंट करते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट होता है, इंटीजर पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो 4 या 8 का इंक्रीमेंट होता है। वाई? मैंने सिंपली इंटीजर पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया, 32 बिट का प्रोग्राम था मेरा, तो 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड हो गए, 4 ऐड हो गए। जब करेक्टर पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस करके, तो उसके एड्रेस में सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट हुआ। इधर से क्या पता चलता है कि हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। हमने चूंकि इंटीजर 4 बाइट्स का था तो उसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, करेक्टर 1 बाइट का था तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ। मेमोरी की ओरिएंटेशन कुछ भी हो, मेमोरी की डायमेंशन कुछ भी हो, रूल बेसिक वही है कि 1 एड्रेस पॉइंट्स टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी। सर, बेसिकली डाटा टाइप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपकी डाटा टाइप कुछ भी हो, बिल्कुल वहाँ सी में तो डाटा टाइप पे डिपेंडेंट है ना, लेकिन एक्चुअली तो ये मशीन में देखा जाए तो अगर इंटीजर 4 बाइट्स का है तो 4 एड्रेस कंज्यूम कर रहा होगा, वो 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है तो हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। तो जब हम प्लस प्लस सिंपली प्लस प्लस करते हैं तो वो 4 का इंक्रीमेंट इसलिए हो जाता है कि वो 4 बाइट्स का जंप देता है। बिल्कुल, तो मैं ये बात सिर्फ अपने इस आर्गुमेंट को उसके लिए प्रूव कर, हाँ प्रूव करने के लिए दे रहा हूँ कि 1 एड्रेस 1 बाइट, सिंपल इज दैट। अगर मेरे प्रोसेसर की 32 बिट की एड्रेस बस है, 2 पावर 32 इज 4 GB, कुछ भी कर लें 4 GB से बड़ी मेमोरी नहीं लग सकती। आपने 4 बाइट्स इकट्ठे रीड किए, आपने 4 बाइट्स इकट्ठे रीड कर लिए जी, इस केस में आपने 32 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स इकट्ठे रीड कर लिए जी जी, ठीक है, इसका मतलब है आपने पहले 4 एड्रेसेस कंज्यूम कर लिए। अब आपके एड्रेस में 0 के बाद देखें 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 0 के बाद 4 से स्टार्ट हो रहा है, देन 8 जी, देन बी। इधर देखें आपने 2 बाइट्स रीड किए 0 के बाद, इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, एंड सो ऑन। सही है, तो मैं आपको 64 बिट भी होगा। हाँ, 64 बिट में देखें हर बाइट का एक एड्रेस है, तो आपने इकट्ठे 8 बाइट रीड किए, तो नेक्स्ट रो, तो आपने जब 8 बाइट रीड कर लिए तो आपका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो प्लस 8 होगा जी, 0 और 8 और देन फर्दर। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको कह रहा था कि पॉइंटर में जब प्लस प्लस करते हैं तो 4 का इंक्रीमेंट होता है, अगर 64 बिट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होगी तो 8 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये मैं 2 रूल्स आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं, 1 एड्रेस पॉइंट्स टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी, हायर एड्रेस पॉइंट्स टू हायर बाइट ऑफ मेमोरी, लोअर एड्रेस पॉइंट्स टू लोअर बाइट ऑफ मेमोरी। अब हायर बाइट कौन सा है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा, दिस इज लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। कैसे पता चलेगा वो आगे, अभी अगली स्लाइड देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, हम सर कंप्यूटर में सर
अरे के यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम अगर लिंक लिस्ट यूज़ करें सर तो सर हमारे लिए सर इतनी जगह हमें रिजर्व नहीं करनी। ओके, एरे का अपना फ़ायदा है कि रैंडम एक्सेस देता है, लिंक लिस्ट आपको रैंडम एक्सेस नहीं देती। ओके, तो दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जहाँ के आपको रैंडम एक्सेस करना है वहाँ पर आप एरे यूज़ करेंगे। लिंक लिस्ट कैसे रैंडम एक्सेस कर देती है आपको? अगर मुझे दरमियान में किसी नोड को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा मैं? उसका तो पॉइंटर ही नहीं है मेरे पास, पॉइंटर तो मेरे पास हेड का हेड से तो मैं पहली नोड को पॉइंट करूंगा, फिर ट्रेवर्स करनी पड़ेगी मुझे पूरी लिंक लिस्ट। ठीक है, वो तो नहीं ना, रैंडम एक्सेस जाना चाहिए वहाँ पर। बहुत से एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो एरे पे ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च है। ओके, ये एक अलग है, ये आप अपने कॉन्सेप्ट्स डबल ए या ट्रिपल ए की टीचर से कदक मतलब क्लियर कीजिएगा। मुझे एक्चुअली यहाँ पर बताना है आपको, अब एक बहुत कॉमन चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडियननेस। हम आपने सुना होगा ये आर्किटेक्चर लिटिल इंडियन है, ये बिग इंडियन है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके एक रजिस्टर है। अब राइट मोस्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बिट नंबर 0 है, ये बिट नंबर 31 है। आपकी जो राइट मोस्ट बिट है, अगर मैं कहता हूँ अगर वो बिट नंबर 0 है, यानी कि मैं रजिस्टर में बिट्स होती हैं, मैं अगर नंबरिंग करना शुरू करूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? बिट नंबर 0 मेरी राइट मोस्ट बिट होगी या लेफ्ट मोस्ट बिट है? मैं नंबरिंग कहां से करना स्टार्ट करूं? अगर तो मैं राइट मोस्ट बिट को कहता हूं दिस इज द बिट नंबर 0 और लेफ्ट मोस्ट बिट को मैं कहता हूं बिट नंबर 31, तो फिर तो ये जो स्कीम है दिस इज कॉल्ड लिटिल एंडियन स्कीम। और अगर मैं कहता हूं उलट करता हूँ उसका, मैं कहता हूँ नहीं राइट मोस्ट बिट इज़ द बिट नंबर 31 एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट इज़ द 0, तो इट इज़ कॉल्ड बिग एंडियन। अब कुछ आर्किटेक्चर्स लिटल एंडियन पर हैं, कुछ बिग एंडियन पर हैं, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सिर्फ प्रॉब्लम तब आता है कि जब कम्युनिकेशन करनी हो आपने दोनों के दरमियान, सीरियल कम्युनिकेशन करनी हो, तो ये जब बाइट 0 ट्रांसमिट करेगा ये, इसका मतलब ये होगा और इस मशीन में बाइट नंबर 0 ये होगा। तो जस्ट हमने इंडियननेस का ख्याल तब रखना है जब हमने कम्युनिकेशन करनी है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिटिल इंडियन है या बिग इंडियन है। आपने एक रजिस्टर बनाई है, उसकी बिट नंबर 0 राइट मोस्ट बिट होगी या बिट नंबर 0 लेफ्ट मोस्ट बिट होगी? अगर राइट मोस्ट है तो वो लिटिल इंडियन है वो आर्किटेक्चर, और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट इज द बिट नंबर 0 then the architecture is big endian. तो इससे byte number 0 change हो जाता है, byte number 0, byte number 1, byte number 2, byte number 3. अब वो second rule apply करें, lower byte, lower address points to lower byte of memory, higher address points to higher byte of memory. अब अगर इसकी मैंने addressing करनी हो byte level पे, जो कि होती byte level पे है, तो इस architecture में मैं कहूँगा this is बाइट नंबर 0, तो इसका एड्रेस सबसे छोटा होगा, इसका एड्रेस उससे बड़ा होगा, इसका एड्रेस उससे बड़ा होगा, इसका उससे बड़ा होगा, यानी कि एड्रेसिंग ऐसे होगी 0, 1, 2, 3। और इस सर्किट बिग एंडियन में एड्रेसिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3। मैंने जो ये सेकंड रूल की बात की है ना, हायर एड्रेस पॉइंट्स टू हायर बाइट ऑफ मेमोरी एंड लोअर एड्रेस पॉइंट्स टू लोअर बाइट ऑफ मेमोरी। कैसे पता चलेगा कि लोअर बाइट कौन सा है, हायर बाइट कौन सा है? वो तो इंडियननेस बताएगी, इंडियननेस बताएगी कि आपका लोअर बाइट कौन सा है और हायर बाइट कौन सा है। अगर लिटिल इंडियन है तो राइट मोस्ट बाइट इज द बाइट नंबर द लोएस्ट बाइट, और अगर बिग इंडियन है तो लेफ्ट मोस्ट बाइट इज द लोएस्ट बाइट। तो अकॉर्डिंगली आप वो रूल, सेकेंड रूल अप्लाई कर लें। Okay.
ओके अब तीसरा पैरामीटर है वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर है ये वॉन न्यूमैन है, वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर है वॉन न्यूमैन। अगर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है तो माइक्रो प्रोसेसर की अंदर जो मेमोरी होगी वो एक ही होगी फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आपको पता है कि प्रोग्राम के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोड होता है और एक डाटा होता है। डाटा में वेरिएबल्स होते हैं और कोड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो प्रोसेसर के बाहर तो रैम लगी हुई है, वो तो एक ही होगी, लेकिन इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी लगी हुई है क्या वो एक है फॉर कोड एंड इंस्ट्रक्शंस या सेपरेट है? अगर तो इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर ऑन चिप या इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर एक ही मेमोरी लगी हुई है फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, तो फिर तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और अगर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर दो सेपरेट मेमोरीज हैं फॉर कोड एंड डाटा, तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर नाम हुआ क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहाँ पे ही पहला आर्किटेक्चर बनाया गया था, जब उन्होंने कहा कि हम कोड और डाटा मेमोरी को अगर सेपरेट कर दें तो बहुत से फीचर्स अप्लाई हो सकते हैं, पाइपलाइन ईजी हो सकती है। आगे चल के देखेंगे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वहाँ से ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर आ गया, वॉन न्यूमैन वो पुराने वाले आर्किटेक्चर, चूँकि वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट का था तो उसको वॉन न्यूमैन का नाम दे दिया गया। सर ये काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके आपको ये पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है जिसमें आपका प्रोग्राम लोड होता है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप उसे कैश मेमोरी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो कैश मेमोरी ही हो, वो रैम की भी एक टाइप हो सकती है, क्योंकि कैश तो स्पेसिफिकली फिर कुछ और मतलब होता है इसका। ओके समझना ये है कि अगर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होगी वो एक ही होगी फॉर कोड एंड डाटा। डाटा भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, कोड भी उसके अंदर पड़ा है। इसका मतलब है कि जब आप कोड रीड कर रहे होंगे, जब आप इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे होंगे तो उस वक्त डाटा नहीं रीड कर सकते, जब डाटा रीड कर रहे होंगे तो कोड नहीं कर सकेंगे। यानी कि मेमोरी में एक वक्त में आप सिर्फ एक ही रीड ऑपरेशन पर कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। तो इसका मसला हल कर दिया हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह करते हैं कि इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर दो मेमोरीज लगा देते हैं सेपरेट, एक कोड के लिए एक डाटा के लिए। अब हम कोड और डाटा दोनों सेम टाइम पर रीड कर सकेंगे। तो दिस इज़ द वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। एंड ये दिस हो गई वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड हो गया। मेमोरी का आपको पता रूल मैंने बता दिया, इट्स अ रूल ऑफ थंब, वन एड्रेस पॉइंट्स टू वन बाइट ऑफ मेमोरी नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए ये रूल ओबे होगा। कोई मैंने अभी तक कोई कमर्शली अवेलेबल आर्किटेक्चर नहीं देखा जो इस रूल को ओबे ना करता हो, दिस इज़ स्टैंडर्ड। मैंने आपको प्रोग्रामिंग से भी एग्जाम्पल दे दिए पॉइंटर्स की, टू सपोर्ट माई आर्गूमेंट मैंने आपको बता दिया कि पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट करके देख लें उतने बाइट्स का जंप होगा। वाई उतने बाइट्स? क्योंकि ये रूल एग्जिस्ट करता है वन एड्रेस पॉइंट्स टू वन बाइट ऑफ मेमोरी। फिर मैंने बता दिया लोअर एड्रेस पॉइंट्स टू लोअर बाइट ऑफ मेमोरी, हायर बाइट एड्रेस हायर एड्रेस पॉइंट्स टू हायर बाइट ऑफ मेमोरी। अब आपको कैसे पता चलेगा लोअर कौन सा है और हायर कौन सा, एंडियननेस देख लें आपको पता चल जाएगा। इंडियन में सिंपली देख लें कि लिटिल इंडियन है तो राइट मोस्ट बाइट जो है बाइट नंबर जीरो है, बिग इंडियन है तो लेफ्ट मोस्ट बाइट जो है दैट्स द बाइट नंबर जीरो। फिर हमने ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर्स देख लिए, ड्यूल ऑपरेंड देख लिए, यूनि ऑपरेंड देख लिए, और हमें यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितनी होंगी। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। टाइम ओवर हो गया,
मैंने इसलिए इस स्लाइड को स्किप किया था कि मैं बाकी स्लाइड्स कवर कर लूँगा उतने टाइम में. ओके, इट इज़ क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ये मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, ये वही रूल्स हैं जो आगे चल के हम अप्लाई करेंगे. जस्ट हम कहेंगे ओके ट्राई ऑपरेंड आर्किटेक्चर, रजिस्टर फाइल लगेगी. ड्यूल ऑपरेंड आर्किटेक्चर, स्क्रैच पैड मेमोरी लगेगी. यूनि ऑपरेंड है तो ये फॉर्मेट होगा. हमें फॉर्मेट पता लग गया, हमें रजिस्टर्स की तादाद पता चल गई, हमें उनके लोअर और हायर बाइट्स का पता चल गया, मेमोरी का पता चल गया, रूल एक एड्रेस एक बाइट. अब बस एक स्लाइड रह गई है, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. अब उसमें सिस्क कंप्यूटर आते हैं और रिस्क आते हैं. हमने रिस्क डिज़ाइन करना है या सिस्क डिज़ाइन करना है, जब इसका फैसला हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. आर्किटेक्चर आपके माइंड में आ जाएगा कि ओके ये इस तरह बनेगा. इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बेसिक्स कवर करने के बाद फिर हम माइक्रो आर्किटेक्चर पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रो आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे, और जो कि टोटली बेस करता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर. क्लियर है? सही है. तो जी सर, आपको शायद इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़े. जाहिर है ग्रेजुएट कोर्स है, एक पेस हमारा बरकरार रहेगा थ्रू आउट द कोर्स. तो ऑनलाइन से एक फ़ायदा ये है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप बार बार सुन सकते हैं. स्टिल किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल या मैसेज भी कर सकते हैं डीप्स के ऊपर. मैं जैसे ही देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. थैंक यू सर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. ओके, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया 6 मिनट्स. ओके, नहीं सर कोई मसला नहीं. थैंक यू सो मच. अपना काइंडली ईमेल शेयर कर दीजिएगा. ईमेल तो आपके पास पोर्टल पर ऑप्शन आ रही होगी. ठीक है सर. ठीक है, मैं अपना लिख देता हूँ. ठीक है, ईमेल भी मैं आपको लिख देता हूँ. स्लाइड्स और बुक मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ. बुक भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी, जो मैंने कोर्स वेबसाइट पर लिखा है. आप जस्ट उसको गूगल करें, आपको बुक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक यू.